Hello everyone. So today we are going to start the second lecture of quantum mechanics. Okay. So देखिए quantum mechanics के second lecture में हम ये पढ़ेंगे कि what is the use of quantum. Okay. Why we are studying quantum. Okay. So सबसे पहले आप ये देखिए कि quantum पढ़ने की need क्यों है. So as you know, हमारे पास जो light थी सबसे बड़ा question उसी में आ रहा था कि ये light particle है या wave है. Okay. और वी कैन से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो लाइट है या वेव है. ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही थी इन बिटवीन विच वी से इन द प्रीवियस लेक्चर आइंस्टाइन एंड सम ऑफ द साइंटिस्ट जो कह रहे थे कि ये लाइट है और अनदर वन सेज कि ये वेव है. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल. सो देखिए इस तरह से मैं फिजिकल एग्जाम्पल से आपको शुरुआत करता हूँ. देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन है, मान लेते हैं कि इसने ड्रिंक कर रखी है. ओके, एंड वी गिव देम अ गन और गन में हमने 1000 बुलेट्स ऐड कर दी. ओके, सो हमने इस पर्सन को कहा कि यू कैन फायर बुलेट्स फ्रॉम दी स्लिट्स. ओके, ये दो स्लिट्स हमने दी हैं, या तो आपकी जो बुलेट है वो इस स्लिट से जानी है या इस स्लिट से. अब देखिए ये पर्सन जो है उसने ड्रिंक करी हुई है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि 1000 अगर ये बुलेट्स चला रहा है तो 1000 की 1000 बुलेट्स जो होंगी वो इसमें से क्रॉस कर जाएंगी. ओके, लेट मी ज्यूम कुछ क्रॉस कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ इसमें से एंटर नहीं कर रही हैं, कुछ इधर उधर जा रही. बट अगर कुछ एंटर कर रही हैं, कुछ ना कुछ एंटर कर रही हैं, सो एज यू से कि अगर कोई इधर से एंटर करती है तो ऑफकोर्स है वो कुछ यहाँ पर एक निशान लगाएगी. अगर यहाँ पर करती है तो पीछे एक दीवार है ना, तो यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे निशान लगाती जाएगी, ऐसे पता लगता जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे गन के पॉइंट जो है वो लग रहे हैं, मतलब गोलियाँ लग रही. ऐसे फिर क्या करेंगे एज अ साइंटिस्ट, हम पीछे जाएंगे. नॉट इन द सेंस ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन कि अगर आप अपने आप को ये जानते हैं कि आप अगर साइंस सीखनी है देन यू आर अ साइंटिस्ट. ओके, तो आप ये पता करेंगे कि कहाँ कहाँ गन लगी, कहाँ कहाँ बुलेट लगी, तो आप पीछे जाएंगे और आप उसके निशान को चेक करेंगे, हम इसके साइंस को चेक करेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो निशान लगे. तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि यार ये गन जो है वो कितनी उसकी जो बुलेट्स थी वो कहाँ कहाँ स्ट्राइक करी. तो बहुत सिंपल था, पार्टिकल के हिसाब से समझना इसको बहुत ही. बट नाउ वी आर गोइंग इन द क्वांटम फेज. अब हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह से गन की गोलियां जो है अगर हम इसे यहाँ पर ना स्ट्राइक करवाते हुए कुछ इस तरह से स्ट्राइक करवाए, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक स्लिट ली है, यहाँ पे इसको दो हिस्से खोल दिए, अभी ये नंबर टू हिस्सा है जो यहाँ पर टू लिखा हुआ है इसको हम अभी ब्लॉक कर देंगे, अभी के लिए सिर्फ वन खोलते हैं. अब यहाँ पे जो वो गन जो पर्सन था, जो ड्रंकर पर्सन था, अगर वो यहाँ से गन को स्ट्राइक करवा रहा है तो आपको पता है कि टू से तो जाएगा नहीं, वो तो वो सिर्फ किससे जाएगा, वन से होता हुआ जाएगा. ओके ना, तो अगर वो वन से होता हुआ जाएगा सो इट मीन्स वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, सीधा सीधा अगर स्ट्राइक करना है तो वो यहीं पे स्ट्राइक करेगा. मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो स्लिट्स है, तो मान लेते हैं वो गन जो है वो यहाँ से स्ट्राइक करके बेंड भी कर सकती थी इधर, या फिर वो इधर भी बेंड कर सकती थी. इट मीन्स वो या तो यहाँ तक बेंड कर जाती या फिर यहाँ तक बेंड कर जाती. तो पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक जा सकती है. चलिए अब ये यहाँ तो ये हो सकता था कि ये अगर इधर से अगर हम सिर्फ इसको ब्लॉक कर देते नंबर टू को तो सिर्फ ए से जो है बुलेट जाती, टू से बुलेट नहीं जाती. अब मान लेते हैं कि हम वन को ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ टू को खोल देते हैं. ओके, सो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाना था. अब यहाँ से अगर टू से अगर वो जो हमारी बुलेट है वो स्ट्राइक करती है तो टू से स्ट्रेट की वो यहाँ जाएगा. मान लेते हैं अगर वो यहाँ से यहाँ स्ट्राइक भी करती है तो अगर बेंड भी कर जाती है तो वो मैक्सिममली इधर बेंड करेगी या फिर वो मैक्सिममली इधर बेंड करेगी. सो हमने यहाँ पर नाम दे दिया कि अगर जो जो वन पार्ट से जा रही थी उसको आई वन कह दिया और जो टू से जा रही थी उसको आई टू कह दिया. अब नंबर थ्री स्टेज, अगर मैं दोनों को ओपन कर दूँ तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मेरे पास 1000 जो बुलेट्स हैं तो उसमें से कुछ इधर से भी जा सकती हैं, उसमें से कुछ इधर से भी जा सकती हैं. अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो बुलेट होगी वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, वो यहाँ पे तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती. तो इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी लाइक दिस, इसको हम लिखेंगे आई वन टू. वन टू मीन्स हमने दोनों के दोनों स्लिट्स को ओपन कर दिया. अब वो वन से भी जा सकती थी, अब वो टू से भी जा सकती थी. तो ये देखिए हम ये कह सकते हैं ना कि वो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती थी, इस जगह पे लीस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे थी पर मैक्सिममली वो यहाँ पे ही होगी.
ये बात तो बहुत सिंपल हो गई, बट ये थी मैक्रो लेवल की बात। ओके, बट अगर हम बात करेंगे माइक्रो लेवल की, मीन्स अगर यहाँ पर हम ये जो हम बुलेट ले रहे थे, अब बुलेट को चेंज करके हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, नौ क्या इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो भी इसी तरह से काम करेगा, करना तो चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवा रहे हैं यहाँ पे सेकंड को बंद करके, तो ये चीज़ आनी चाहिए यहाँ पर आई वन, और अगर इलेक्ट्रॉन को वन बंद करके टू से एंटर करवा रहे हैं तो फिर भी यही प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। टू को ओपन करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ से देखिए, आप सबसे पहले आई वन प्लस आई टू गिव्स आई वन टू, ये समझ होंगे आप, बिहेवियर ऑफ बुलेट इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, बिकॉज दे आर ऑफ मैक्रो लेवल। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो ये देखिए, पर अगर हम उसकी बात करें वेव्स की बात करें, ओके, विच इज अराउंड वाटर वेव्स, जो आपने वाटर वेव्स देखी होगी, मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में आपको पूरे डिस्क्राइब में। पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों को खोल देते हैं, तो होना तो ऐसे चाहिए था, पर जो वेव है हमारी वो ऐसे कुछ इस तरह से बन रही है। जस्ट लाइक आपने कभी पानी में पत्थर डाला होगा तो आपने देखा होगा कि जो सबसे ये से पानी है, आपने यहाँ पे पत्थर डाला तो ये वाली जो वेव होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद वाली वेव जो होगी वो थोड़ी हल्की होगी, उससे बाद जाते 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 जो वेव्स होती हैं वो हल्की होती जाती हैं, ओके ना, तो आपने कभी देखा होगा। सो इट्स जस्ट लाइक वाटर वेव्स, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है। ओके, आप एक बात को ध्यान करिएगा यहाँ से कि ये यहाँ पे आई वन और आई टू दोनों को खोलने पर ये आई वन टू के इक्वल नहीं आ रहा था। इट मीन्स कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी जो यहाँ पे हम पढ़ के आए, क्लासिकल मैकेनिक्स, वो क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वल रिजल्ट नहीं दे रही थी, मीन्स इन द माइक्रो पार्टिकल्स के इक्वल रिजल्ट नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर जहाँ पर ये मैक्सिमम होना चाहिए था वहाँ पर ये मैक्सिमम नहीं है, और जहाँ पर ये मिनिमम होना चाहिए था वहाँ पर ये मैक्सिमम दिखा रहे हैं। ओके, सी यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक स्लिट को ओपन करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं यहाँ पे इस सिर्फ इस स्लिट को ओपन करता तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या थी गन के शॉट होने की, यहाँ पर, और यहीं सीधा देखिए इसको, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जहाँ पर इसके स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम थी, वहाँ पे इसके स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ थी कि ये क्या हो रहा था। ओके, बट अभी हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल थिंग थी। ओके, मैं आपके लिए एक वीडियो दिखाता हूँ, ओके, सो आप उससे अच्छे से समझेंगे कि ये हो क्या रहा था। ओके, पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, फिर आप एक वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट ये देखिएगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने ये चीज़ दिखाई है आपको, मान लेते हैं ये देखिए वाटर वेव्स निकल रही हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ से मैंने यहाँ स्ट्राइक करवाया इलेक्ट्रॉन वेव, तो ये कुछ वेव्स कुछ ऐसे इस तरह से देखिए दूर होते जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं, बड़ी फीकी होती जा रही हैं, ओके, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो आई होगी इंटेंसिटी होगी इसकी, ओके, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, डिस्प्लेसमेंट के स्केयर। वैसे हम डी से लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, आई डायरेक्टली पूछना करेगी डिस्प्लेसमेंट के स्केयर। ओके, व्हाई वी स्केयरिंग द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज देयर वी हैव ट्रफ एंड क्रस्ट। ओके, सो आई डायरेक्टली पूछना करेगी किस पे, डिपेंड करेगी किस पे, अगर मैं सीधा सीधा लिख दूँ वैसे इस पे कॉन्स्टेंट आना चाहिए, बट लेट बी आई इज इक्वल टू डी के स्केयर। बट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू वो सिंपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर दिस क्वांटम, हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिखेंगे साइज। ओके, फॉर डिस्प्लेसमेंट वी आर यूजिंग साइज स्केयर। ओके, सो दिस इज द सिंपल थिंग, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट आई डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट स्केयर फॉर फर्स्ट स्लिट, व्हेन फर्स्ट स्लिट इज ओपन। ओके, अगर हम बात करेंगे इसको लिखने की, सो सी आई सी आई टेल यू, अगर आई वन होगा, ओके, अगर यहाँ पे आई वन होगा सो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, साई वन की होल स्केयर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट स्केयर हमें लिखा था और डिस्प्लेसमेंट स्केयर की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, साई वन स्केयर लिख रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये था वन के लिए, अगर टू के लिए लिखना हो, अगर ये स्लिट यहाँ से ना ओपन हो कि यहाँ से ओपन हो, तो सो साई टू स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई टू स्केयर, साई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई टू स्केयर, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। ओके, सो देखिए ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम दोनों ओपन कर देते हैं यहाँ पे तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि साई वन टू, अब साई वन क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी आई वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई वन होल स्केयर, और आई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई टू होल स्केयर।
अब मेरे को ये पता करना है कि ये जो साई वन टू जो है, अगर हम दोनों को इकट्ठा, ये देखो ना दोनों को ओपन कर दिया गया, ये देखिए मैं बताता हूँ अभी, साई उसको लिख सकता हूँ साई वन प्लस साई टू। अब ये देखिए आप बड़े ध्यान से, ये वेव्स देखिए, मैंने आपको अभी अभी ये चीज बताई थी पीछे कि जहां पर इसकी वेव सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए थी वहां पर तो वेव इसकी बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और जहां पर उसकी वेव सबसे मिनिमम होनी चाहिए थी दोनों खोलने में वहां पे सबसे मैक्सिमम आ रही है। और ये देखिए कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे तो बिल्कुल नहीं आ रही है, कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे बिल्कुल नहीं आ रही है, मैक्सिमम बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम। तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें शो हो रहा था इन दिस टाइप ऑफ, जब हम कुछ स्मॉल पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल हम ले रहे थे okay? और दोनों स्लिट्स को ओपन कर, ये देखते हैं हम सबसे पहले इसको स्टॉप करके हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि ये कुछ किस तरह से आपको पार्टिकल्स जो थे वो शो हो रहे थे ओके okay? तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। देखिए यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवा रहे हैं, और आपको पीछे जो मैंने एक दीवार दिखाई थी वहां पर इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द रियल एक्सपेरिमेंट दे आर शोइंग ओके। ये एक स्क्रीन थी, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिल नहीं रहा था, देखिए कोई अगर रैंडमली हम कोई फेंक रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी गिर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें कोई शो नहीं हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरने चाहिए। मैं समझाता हूँ इसके बाद में, पहले आप इसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से गिर रहे हैं ओके। अभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है हमें कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होने चाहिए पूरे के पूरे ओके। बट अगर जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते जा रहे हैं 1000 अराउंड मोर 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 एंड मोर ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सिमेट्री बननी शुरू हो गई है ओके। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक सिमेट्री बननी शुरू हो गई है, चाहे थोड़े से में हम प्रोबेबिलिटी ना देख सके बट अगर ज़्यादा देखते जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ स्लिट्स बनती जा रही है ओके। दीज आर मोर क्लियर स्लिट्स अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए तो अभी आपने देखा कि वहाँ पर कितनी अच्छी स्लिट्स बन रही थी ओके। जस्ट लाइक दिस ओके, इस तरह की कुछ ब्यूटीफुल स्लिट्स हमारे पास बन रही थी, तो यही मैंने आपको समझाना था। अब देखिए ये कुछ प्रोबेबिलिटी जो थी, आपने अभी अभी देखा कि जब स्टार्टिंग में वहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्ट्राइक कर रहे थे, कोई कहीं पे था कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था कोई कहीं पे था, तो उस टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वाज मोस्ट डिफिकल्ट ओके। अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैक्सिममली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, पर जब वो बहुत सारे हो गए तो आपने को ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ जिस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बहुत कम से उसको पता करना बहुत मुश्किल था। समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये जो स्केट कर रहा है ओके, तो ये स्केट कर रहा है तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है ओके। क्या ये कुछ इस तरह से जो स्केट के जो साइन आ रहे हैं, क्या वो इस तरह से कभी आ सकते थे, क्या ये इस तरह से इसके ऊपर से निकल गया होगा, तो ये हमें पॉसिबल नहीं लग रहा ओके। बट अभी हम देखते हैं इसको कुछ इस तरह से, वही पुरानी एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हमने जो गन स्ट्राइक करवाई थी वो इस तरह से यहाँ पीछे जाके स्ट्राइक कर रही थी, और यहाँ पर अपने कुछ जो साइन थे वो छोड़ के जा रही थी। पर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तब क्या हो रहा था कि जो जब हम फर्स्ट टाइप पे ऑन कर रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से स्ट्राइक हो रहे थे, और सेकंड पे कर रहे थे तो कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर स्ट्राइक हो रहे होंगे ओके। बट द थिंग वाज कि जब हमने दोनों को ओपन करा तो वो कुछ ग्राफिंग जो इस तरह के दिखा रहे थे ओके। सो अभी अभी हमने इसकी देख भी ली कि स्ट्रक्चर प्रोबेबिलिटी क्या थी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं ओके। अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा, ये देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से समझें। अब इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छी बहुत ही इंटरेस्टिंग नेपटल आईआईटी रुड़की से मैंने एक एग्जांपल उठाई है, वो मेरे प्रोफेसर प्रोफेसर केएल सेबेस्टियन की बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी ओके। तो उन्होंने ये वाली एग्जाम्पल हमें दी थी दैट मान लेते हैं कि इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज़ को और देखेंगे, फिर मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगा जो उन्होंने दी थी। सबसे पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ से ये सिर्फ दो स्लिट्स के हमने सिर्फ दो स्लिट्स में जो पोर्शन दे रखे थे ओके, सिर्फ दो लाइट्स यहाँ पर, दो जो बुलेट्स आप कहते हैं ओके। सो यहाँ पे जो स्लिट्स जो ओपन थी वो जो उसके अंदर दो पॉइंट थे ओके। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो स्ट्राइक हो रही है वो नहीं लेते हैं, जस्ट हम ये लेते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे हैं, बीम जो हमारी लाइट जा रही है सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो भी तो बीच में स्ट्राइक करेंगे। जस्ट लाइक दिस, ये देखिए हमारे पास ये अब स्लिट्स जो है वो तीन हो गई ओके। हमने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः स्लिट्स ले लिए, बीच में गैपिंग दे दिए। अब यहाँ से हमने यहाँ पे लाइट या फिर आप जो भी उसे कह सकते हैं कि अपनी बुलेट समझ लीजिए आप ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो बुलेट है आपने स्ट्राइक करवाई है, अब यहाँ पर उसने पहुँचना है मैक्सिमम। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके सो यहाँ पर कितने कितने फेसेस में वो जाएगी, 8 फेसेस तक वो जा सकती है। ओके सो 6 ओके सो यहाँ पर क्या है, अब देखिए अब वो एक एक क्या पैटर्न फॉलो कर सकती है, फ्रॉम दिस ईयर फिर वो यहाँ जाएगी, फिर वो यहाँ जाएगी, फिर वो यहाँ जाएगी, ये हो सकता है। ओके तो इसको हम अगर एक कह दें साई वन, ओके तो ये एक हो सकता है, तो इसकी कितनी निकालेंगे हम, इसको साई वन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। फिर एक ये हो सकता था, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, फिर ऊपर फिर इधर, तो एक ये भी हो सकता है। फिर एक इधर ऊपर से जाएगी, फर्स्ट वन यहाँ से, फिर यहाँ नीचे, फिर इधर, फिर इधर, ये भी हो सकता था कि ये यहाँ जाए, यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, ये भी हो सकता था। इस तरह से अराउंड 8 यहाँ पर वैल्यूज निकल के आएंगी, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, पर हम सबको टोटल करेंगे, उन सबको टोटल करने पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू। पर मान लेते हैं अगर ये इतनी ना हो के कुछ ज़्यादा हो, ओके लेट वी अज्यूम कि हमारे पास कुछ और स्लिट्स ओपन हो गया, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो प्रोबेबिलिटी यार मोर मोर। ओके तो अगर यहाँ से यहाँ यहाँ जाना हो हमने, तो हम सबसे पहले अब देखिए जाने को तो यहाँ से भी जा सकते हैं, सी ग्रीन, सी रेड, ओके सी ऑरेंज, और अगर यही थोड़ी है तो कहीं से भी जा सकते थे, हमारी मर्जी है, हम ऐसे भी तो जा सकते हैं। ओके सो हम सबको लेंगे, अब इसके लिए इसके लिए इसके लिए जितनी बार जा सकते हैं हम सबको लेके उनको टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद हमारे पास क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके सो हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो और इससे ज़्यादा भी हो सकता था, लेट बी अज्यूम वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कुछ इतने भी हो सकते हैं, और इसमें तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। ओके अब तो वो कहीं से भी जा सकते थे। नाउ द थिंग इज, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा इसको, कि हमारे पास ये जो जहाँ से भी पाथ से इन्होंने फॉलो करेंगे, कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को समझने की कोशिश करेंगे ये कर क्या रहे हैं, ये जो कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम इन सबको गायब कर देते हैं, ये बीच में से जो जो स्लिट्स है इसको गायब कर देते हैं, हम सिर्फ इसके पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, ये कहाँ कहाँ से ये गए। क्या ये पॉसिबल है कि हर एक पैटर्न को फॉलो करके हर एक की वैल्यू निकाल ली जाए और हमें ये पता लग जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। देखते हैं करा गया हमने, ये स्लिट्स को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि हमने सिर्फ ये लिया कि यहाँ से हमने शुरू करा था, एक जो था वो कुछ इस तरह से गया, एक जो था वो कुछ इस तरह से गया, एक जो था वो कुछ इस तरह से, इस तरह से काफ़ी सारे गए होंगे, एक कुछ इस तरह से गया होगा, कुछ इस तरह से गया होगा, कुछ इस तरह से गया होगा, तो ऐसे इन्फिनिटी वॉल्स के लिए इन्फिनिटी स्लिट्स होंगी। ओके इन्फिनिटी टाइम ये जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जो मैं अभी अभी बता के गया कि वो उन्होंने बताई हमें। देखिए ये हमारे पास ऑल पाथ के लिए वैल्यू हो गई, अभी आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, अब मैं इन फ्यूचर में आपको ये बताऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे। ओके फॉर टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट हो गए, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फॉर द ऑल पाथ जो मैंने अभी अभी बताया, सभी पाथ के लिए हम टोटल वैल्यू निकालेंगे इसकी हेल्प से। ओके और एन नॉर्मलाइज, ये भी मैं अभी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, पर अभी हम जस्ट एग्जांपल पे जोर देंगे। ओके देखने के लिए अब देखिए समझे इस चीज़ को, मान लेते हैं ये पर्सन है हमारे पास, अब एक ड्रंकन पर्सन है, अब ये एक बार से रात को 9 बजे बार को जाता है और 10 बजे तक बार में रहता है, 10 बजे के बाद ये अपने घर के लिए चल पड़ता है, ड्रिंक करा हुआ है। ओके सो अब जब ये घर से बाहर निकलता है, मैं फिर से आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हम क्वांटम में कुछ पढ़ने जाते हैं तो आपको एक दिमाग में एक चीज़ पहले ये रखनी है कि हमें हमेशा ये पता करना होता है कि फ्यूचर क्या होगा। यही बात को आप ध्यान रखिए कि हमें हमेशा फ्यूचर को देखना होता है, यही हमारे इंसान की नेचर है, या तो कह लीजिए जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि हमें ये पता लग जाए कि फ्यूचर में क्या होगा। हमेशा हम यही करते हैं, फ्यूचर में कब हमें हमारे पास कब फ्यूचर में कब ये बताइए कि हमारे पास इतने हमने ये इतनी स्पीड से हम ये चले हैं, अब बताओ कितनी स्पीड से हमें चलना पड़ेगा कि हम इतनी स्पीड से यहाँ पहुँच जाए। तो हम फ्यूचर में ये बात कर रहे हैं, वो इतनी स्पीड से आ रहा तो कितनी स्पीड उसकी इंक्रीज करी जाए कि वो इतने स्पीड से पहले ही पहुँच जाए। तो हमेशा हम किसी चीज़ का फ्यूचर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन इतने टाइम के बाद यहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही हमने ये जो पर्सन था, ये जो ड्रंकन पर्सन था जो बार में प्रेजेंट था, तो वो अंदर बार में बैठा हुआ था, 1 घंटे के बाद जब वो बाहर निकला तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर था, लेट बी अज्यूम यहाँ पे एक पर्सन बैठा रहता था
और वो इसको ऑब्जर्व करता था रोज। तो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ये पर्सन निकला, अब उसने एक कदम चला। अब आपको ये थोड़ी पता है कि ड्रंकन पर्सन दूसरा कदम, अगर आप चलेंगे, चलिए मैं आपके लिए कहता हूँ कि अगर आप होते ये और आपका घर यहाँ पे होता जहाँ पर ये पर्सन खड़ा हुआ है, तो आप कैसे आते? आप इस तरह से सीधे सीधे आते, इस तरह से। पर ये पर्सन ऐसे थोड़ी आएगा, ये तो ड्रंकन है, ये तो ऐसे 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 कैसे भी आएगा। अब अगर ये एक कदम चलेगा तो जरूरी थोड़ी है ये दूसरा कदम वैसे ही चलेगा, ये दूसरा कदम ऐसे भी चल सकता, ऐसे भी चल सकता, ऐसे 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 लड़खड़ाता खड़ाता ऐसे यहाँ पे पहुंच। अब जरूरी थोड़ी है ये कुछ इस तरह से जाएगा, हो सकता है ये कुछ ये रास्ते फॉलो कर ले, ओके, ये कोई भी रास्ता फॉलो कर सकता है, ये रास्ता भी फॉलो कर सकता है, ये रास्ता भी फॉलो कर सकता है, ये रास्ता भी फॉलो कर सकता है। सो द थिंग इज, ये कोई भी रास्ता फॉलो कर सकता है, कोई भी। सो पर बात ये थी कि अगर मैं 365 डेज इसको फॉलो, ये जो पर्सन था ये इसको देख रहा था 365 डेज, ये कौन कौन से रास्ते को फॉलो कर रहा है, तो इसने ये देखता कि 365 डेज ये हर बार अलग अलग रास्ते को फॉलो कर रहा है। तो क्या ये 366 डेज ये बता सकता था कि आज ये कौन से रास्ते को फॉलो करने वाला? देखिए अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप कहीं रोज एक साल के लिए जा रहे हैं, आप एक जगह पे जा रहे हैं और रास्ते में किसी की दुकान है और वो रोज आपको ऑब्जर्व करता है, भैया रास्ते में आपको कुछ जानता है, वो आपको ऑब्जर्व करता है, तो वो आपको बता सकता है कि ये पर्सन इतनी स्पीड पे जाता है, इतना टाइम इंटरवल पे जाता है, इस रास्ते से जाता है और 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद ये अगर यहाँ पे है अभी इस टाइम, तो 5 मिनट बाद ये वहाँ पे होगा, क्योंकि उसे पता है कि आप एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करने वाले हैं, उसको पता है कि आप इसी रास्ते से जाओगे और इसी स्पीड से जाओगे। पर अगर एक ड्रंकन पर्सन की बात करी जाए तो ड्रंकन पर्सन का तो ऐसे नहीं है, वो तो कहीं से भी जा सकता है, उसका तो 365 डेज के बाद भी बताना मुश्किल होगा कभी वो कहाँ होगा। पर मैं अगर हर रोज उसे ऑब्जर्व करूँगा 365 डेज तक, एक दिन वो यहाँ से गया, 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 एक दिन वो यहाँ से जा रहा है, एक दिन वो ऐसे जा रहा है, तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि ये 1, 2, 3 यहाँ वो ज़्यादा टाइम जा रहा है एज़ कम्पेयर टू ये ऐसे जाने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो प्लेस है, ये वाली, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ। मैं 366 दिन में ये नहीं बता सकता कि वो बट पक्का ही इस रास्ते से जाएगा, पर हाँ मैं यही बता सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ये है कि वो इधर से ही जाता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो इधर से जाएगा। अब अगर आप इस ड्रंकन पर्सन को समझें तो ये समझिए कि ये जो हमारे भाई साहब हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी कुछ ड्रंकन पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। अब अगर तो मैं होता यहाँ, एक अच्छा मंदा होता ये, अगर आपने बॉल फेंक किया, आपने ये गन फेंक किया, तो अगर आप यहाँ से गन स्ट्राइक करवाते तो ये बड़ी आराम से सीधा सीधा चली जाती, पर ये तो भाई साहब जो है इन्होंने तो ड्रंक कर रखी है, तो अगर इन्होंने ड्रिंक कर रखी है तो ये तो किसी भी रास्ते से जाएंगे टिंग 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 करते। तो हमें हर बार एक नया पैटर्न मिलने वाला है, हर बार एक नया रास्ता। तो अगर ये ड्रंकन पर्सन यहाँ पे घर में पहुँच रहा है हर बार नया रास्ता लेके, तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज़्यादा ये कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है? तो कहेंगे हम इस तरह से इसकी सभी के सभी जो रास्ते हैं, उसके फेज हैं जाने के, उसको हम नोट कर लेंगे और उसके बाद हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि वो पर्सन सबसे ज़्यादा कौन से रास्ते को फॉलो कर रहा है। मेरे हिसाब से तो आपको समझ लग जाना चाहिए, बहुत इजी वे था इसको समझने का, ओके। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई थी ये चीज़, तो मैंने आपको जस्ट ट्रांसलेट करी है, ओके। बट इफ़ यू वांट टू सी एक्सपेंडेड लेक्चर सो यू कैन गो देयर, ओके। सो देखिए ये हमारे पास कुछ पार्ट था, ओके। अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि अब इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, दिस इज़ फॉर साई। तो साई का मीनिंग ये है कि हमें यहाँ पे क्या पता करना होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। सो मेन थिंग इज देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं कर सकते, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये बहुत बहुत इम्पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉन को पता कर पाए, बताएं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके, या किस रास्ते पर फॉलो करेगा। तो चलिए इतना मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, सॉरी फॉर दिस। देखिए अभी यहाँ पे बात ये है कि अगर यहाँ पे एक फिनोमिना है, तो अगर अगर वेव फिनोमिना आ रहा है, अगर मैंने आपको बताया कि ये फिनोमिना बन रहा था कुछ प्रोबेबिलिटी फिनोमिना, तो इसका पक्का मतलब ये होगा कि यहाँ पे कुछ वेव इक्वेशन भी होगी अगर ऐसे ऐसे जा रहे। सो ये हमारे पास पर्सन आए हैं जिनका नाम था, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो पर्सन हमारे पास आ चुके हैं, श्रोडिंगर, सर श्रोडिंगर। तो इन्होंने हमें एक मैटर वेव प्रोवाइड करवाई थी, ओके।
इसके लिए कि हम इस चीज को स्टडी कर सकें, इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन तैयार करके दी थी। वो इक्वेशन कैसे आई थी, दिस इज नॉट द थिंग। ओके, ये कुछ आपको ना ही आप समझे तो अच्छा है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि दैट्स द थिंग कि मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कुछ पॉस्टुलेट्स जो है वो कैसे आए ये आप नहीं बता सकते, बट वो आए हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, बिकॉज वो प्रूव्ड नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि उनकी आप इक्वेशन दीजिए, दैट नॉट द थिंग, पर अगर आप उनसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कुछ, तो वो सब हो जाएगा। ओके, सो इन्होंने अपना एक इक्वेशन दी। सो दिस वॉज द इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट सिंगल इक्वेशन। अब देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन समझाएंगे, तो आपको ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझाएंगे कि ये कैसे है। बट फ्रॉम द बिगिनिंग हम सबसे पहले देखेंगे है क्या चीज़ है। ओके, सो स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट देयर। सबसे पहले जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बचे हैं उसको हम क्लियर करते हैं, देन आफ्टर दैट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सीरियस, दिस इज फॉर द प्रोबेबिलिटी, पॉस्टुलेट नंबर वन। नाउ इस चीज को समझिए, यहां पे मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज बता के हटाऊं। ओके, अगर हमें यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को समझना है तो हमें इस एग्जांपल को समझना है। ओके, तभी हम वो वाली इक्वेशन को बना पाएंगे और उसको प्रूव कर पाएंगे, उसके बाद हमारे पास चीजों को करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो आप इस पॉस्टुलेट को समझिए, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज स्पेसिफाइड एज फुली एज इट पॉसिबल बाय द स्टेट इक्वेशन साई एक्स वाई और फ्लड। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक टंगस्टन एक शीट है। ओके, आप समझ लीजिए दीवार है टंगस्टन की यहाँ पे, और इस टंगस्टन की दीवार पर आपने एक हाइड्रोजन को बांध रखा है। ओके, इस तरह से इस हाइड्रोजन को बांध रखा है, ये स्प्रिंग है मान लीजिए। एज वी अज्यूम कि इस हाइड्रोजन को हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ओके, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो पोजिशन पे खड़ा, और आपने इसको इस तरह से अपनी तरफ से अपनी तरफ यहाँ इधर की साइड को आपने इसको खींचा, और आपने इसको एक्स इज इक्वल टू एक्स फेस तक यहाँ तक खींचा। अब अगर आपने इसको इस तरफ इधर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, आगे पीछे इस तरह से जाएगा। ये कौन से डायमेंशन में जा रहा है, ये वन डायमेंशन में जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वन डायमेंशन की। ओके, हम आगे पढ़ेंगे वन डायमेंशन बॉक्स, वो भी आपको यहीं से स्टार्ट होने वाला है, यहीं से टॉपिक क्लियर होगा। अगर हम इसको यहाँ ऐसे खींचते हैं तो ये वन डायमेंशन। आप में से कोई कह सकता है कि सर ये कुछ इस तरह से ही क्यों जाएगा, ये तो इस तरह से भी जा सकता है, मतलब आगे पीछे भी तो जा सकता है, उधर उधर, ये इधर इधर ही क्यों जाएगा हमेशा। तो ये जस्ट अजम्पशन है, जाएगा तो जा सकता है, बट हम जंप मान लें कि अगर वन डायमेंशन के लिए हम सोचें तो ये सिर्फ आगे पीछे जाएगा। ओके, सिर्फ सोच रहे हैं हम यहाँ पे कुछ। तो ये देखिए, अगर ये कुछ इस तरह से आगे पीछे जाएगा, तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक्स कुछ ये डिस्टेंस फॉलो कर रहा था सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, जस्ट एक्स एक्सिस के लिए। ये एक्सिस है हमारे पास, एक्स जो है, दिस इज फॉर एक्सिस एक्स, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे वाई एक्सिस फॉलो नहीं कर रही है, आपकी तरफ होगी अगर बाहर की तरफ, तो ये जेड एक्सिस भी फॉलो नहीं कर रही है। इस तरह से आपको, अगर आपने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर लगाए हैं तो आपको पता होगा, ग्रुप थ्योरी को देखिए, हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्स वाई जेड एक्सिस को क्लियर करवाया। तो यहाँ पर जो एक्सिस है इसकी एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहा है, और टाइम क्या है, अगर ये टाइम डिपेंडेंट हो तो ये कितने टाइम में मूव करेगा, ओके, ये टाइम भी बता रहा है। और यहाँ पे साइन द प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे दिस वॉज द प्रोबेबिलिटी, और इसको हम कैसे, सॉरी, दिस वाज द फेस, और अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया। ओके, दिस वाज, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट की हम क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट की हम स्केयर कर देते थे। ओके, डिस्प्लेसमेंट की स्केयर कर देते थे, एंड एज यू नो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते थे, साई से, रहा हमारा साई, सो साई एक्स टी की होल स्केयर, तो यहाँ से हम ऐसे होल स्केयर लिखते थे। ओके, सो ये बात को समझिए कि जब भी कभी ऐसे लिखते हैं हम, सो इस यहाँ पे इस मोड को हटाने के लिए, ओके, इस बार को हटाने के लिए, अब अगर इसको हटा देंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मे बी इट मे बी बहुत पॉजिटिव और वन मे बी पॉजिटिव, वन मे बी नेगेटिव। सो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साई एक्स टी और साई स्टार एक्स टी। तो अगर हमें ये मोड हटाना है तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साई एक्स टी और साई स्टार एक्स टी। ओके, इसका मतलब दे बोथ आर डिफरेंट और मे बी दे बोथ आर सेम, बिकॉज इसको जब हम बार को लिखते हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स तो मे बी एक्स एक्स के तो मे बी एक्स एक्स हो, मे बी एक्स माइनस एक्स हो, मे बी माइनस एक्स हो. ओके सो दिस कैन बी एनीथिंग. ओके सो साइज साइज. ओके सो ये आपको पता लग गया. अभी एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं. मान लीजिए ये देखिए, अब मान लेते हैं कि यही एक हमने जो जो पैटर्न लिया हमने फॉलो करा है, तो मान लेते हैं कि हमने ये चीज़ को जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हमने स्ट्रेच करा और ये इस एक्स एक्सिस तक लेके आया, छोड़ दिया. अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारा एच हाइड्रोजन होगा वो इतने सिर्फ देखिए ना, यहाँ से सिर्फ डी एक्स एक्सिस में वो सिर्फ इतने एरिए में प्रेजेंट होगा, सिर्फ इतने एरिए में प्रेजेंट होगा. अगर ये हाइड्रोजन है वो स्ट्रेच करा जा रहा है और यहाँ पे ये यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, तो हमें अगर कैसे पता लगेगा कि यहाँ हम कैसे शो करेंगे कि ये इतने एरिए में ही प्रेजेंट है, यहाँ पर ही है ये प्रेजेंट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतने जो इतना एरिया हमने कवर करा इतने एरिए में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इतना एरिया डी एक्स. अगेन ये डी एक्स एरिया है और हम क्या लेंगे जो हमारी प्रॉबिबिलिटी है कि वो कौन से एक्सेस में, एक्स में टाइम डिपेंडेंट है और यहाँ पे इसका होल स्केल. और हम इसको कैसे लिखते हैं, और एक्स टी एंड साई स्टार एक्स टी एंड विद दिस डी एक्स. तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे हमें ये पक्का पता है कि यह वो इसी एक्सेस यहाँ पर ही कहीं पे प्रेजेंट होगा, वो यहाँ पर किसी स्पेस में प्रेजेंट होगा. हमने ये डी एक्स लिया, हम इसे भी डी एक्स ले सकते हैं. ओके हम अगर इसे एक्स लें और इसे एक्स लें, तो अगर हम इन इसमें जो इतनी एरिया होगा उसको भी हम डी एक्स ले सकते हैं. तो अगर हमें सिर्फ इतने एरिया में पता करना हो कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, डी एक्स ले सकते हैं फॉर जस्ट फॉर वन डायमेंशन. इसको हम बहुत अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसकी हेल्प से आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. मान लेंगे कि हमारे पास ये एक छोटा सा रूम है. ओके छोटा सा एक डब्बा है, आप इसको अपना रूम मान सकते हैं. यहाँ पे मैंने छोटा सा लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे डी एक्स लिख लिया. ओके तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपका रूम है, तीन एक्सिस में ही है. अब बीच में मैंने एक हीलियम एटम को मैंने बीच में छोड़ दिया. अब हीलियम एटम जो है वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है. इसका मतलब अब वो सिर्फ डी एक्स एक्सिस के लिए बाउंडेड नहीं है, अब वो सभी एक्सिस के लिए. तो इसका मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड ये एक्सिस होगी हमारी जो हम लिखते हैं. अब एक्सिस के बाद हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कौन कौन से एक्सिस पे. अब प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साई. ओके अब वो कौन कौन से एक्सिस में है. ओके कौन कौन से एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी जा सकता है, वो जेड एक्सिस में भी जा सकता है, अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो टी, तो उसके बाद फोर्स के. और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, साई एक्स वाई जेड टी साई स्टार एक्स वाई जेड टी एंड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड. अब इन चीज़ों को लिखने के लिए हम एक न्यू सिंबल लेते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड को. अगर हम सभी एक्सेस को रिप्रेजेंट करें डी वाई डी वाई जेड है, इनको लिखने के लिए हम एक न्यू सिंबल यूज़ करते हैं, दिस इज डी टॉप. ओके और डी टॉप को यूज़ करते हैं, तो अगर मैंने अगर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मैं इसको ऐसे लिख दूँ साई साई स्टार डी टॉप, तो इनको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है. ओके तो आपको याद रखना डी एस डी वाई डी जेड इस तरह से लिखा जाएगा. अब मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये कुछ इस तरह से ना होता, अगर ये सिर्फ एक प्लेन में होता, एक कॉपी में होता, यहाँ पर होता, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा होगा नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल. पर मान लेते हैं कि जस्ट फॉर अजम्पशन कि हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम छोड़ दिया. अब हाइड्रोजन एटम ऊपर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इट मीन्स पर वो आपकी तरफ नहीं आ सकता, इट मीन्स वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है, पर वो जेड एक्सिस में नहीं जा सकता. इसका मतलब यहाँ पे डी एक्स एंड डी वाई है पर डी जेड नहीं. तो अगर डी एक्स एंड डी वाई है और डी जेड नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे. सो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स डी वाई, यहाँ पे लिखेंगे हम साई और साथ में क्या लिख देंगे हम एक्स एंड वाई एंड अगर टाइम डिपेंडेंट है तो टी एंड होल्स के. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे साई एक्स वाई टी एंड साई स्टार एक्स वाई एंड टी. ओके एंड आफ्टर दैट डी एक्स एंड डी वाई. एज यू नो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे साई एक्स वाई सॉरी एक्स वाई टी साई स्टार एक्स वाई टी एंड यहाँ पे डी टॉ लिख सकते हैं. ओके सो दिस इज द वे टू राइट दिस. ओके तो यहाँ से हम इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं. ओके
सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, आपको ये पता होना चाहिए. ओके सो चलिए आगे हम देखते हैं. सबसे पहले ये चीज़ को देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम था जो हमने ऐसे टंगस्टन के बेस बांधा हुआ था, तो अगर ये हाइड्रोजन एटम 100% यहीं पे प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये बताइए कि वो टोटल एक्सिट मीन्स, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये जो हमने लिखा था साई, जस्ट एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ओके अगर टाइम डिपेंडेंट भी नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, एक्स लेट बी टेक दिस साई स्टार एंड एक्स टी एंड विद दिस डी टॉप. अब हम मान रहे हैं कि हम इसे हम इन द पैटर्न ले रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में होगा, इट मीन्स वो यहाँ पे, वो कहीं पे भी हो सकता है बट वो होगा यहीं पे. ओके सो इट मीन्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ओके हम यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बट द थिंग इज कि अब अगर वो यहाँ से यहीं पे पक्का है, ओके अगर हमें पता है कि वो, अगर हमने ये ले लिया कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, तो इसका मोस्ट प्रॉबेबल ये है कि अगर यहाँ पे डी एक्स हमने इसकी वैल्यू मान लेते हैं, तो इसका मतलब वो 100% यहीं पे ही प्रेजेंट है, 100% यहीं पे ही प्रेजेंट है. अगर वो 100% यहीं पे ही प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि द मोस्ट प्रोबेबल वो यूनिटी वैल्यू देगा हमें. ओके सो ये सारी की सारी इक्वेशन किसके इक्वल होने वाली है, 1 के इक्वल होने वाली है. तो अगर वो मोस्ट प्रोबेबल यहीं पे प्रेजेंट है, तो हम अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पक्का उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 के इक्वल होने वाली है. तो ये हमें हमेशा पता होना चाहिए. बट मान लेते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपने कुछ आंसर दिया और उसका आंसर कुछ इस तरह से आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपने कुछ इस तरह से लिया, फाई एक्स फाई स्टार एक्स और डी टॉ और आप सॉरी 10. तो अब आप क्या करेंगे, सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इस चीज को ऐसा बनाना है. ओके आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई एक्स फाई स्टार एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 डी टॉ इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 क्या होता है, 10 होता है, तो हमने इधर डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 1. सो ये देखिए ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया. तो इसी चीज को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन. आपको ये चीज याद रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन वर्ड यूज जरूर होता है. तो नॉर्मलाइजेशन को पता करना बहुत जरूरी है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन. ओके इन दिस वे वी यूज टू फाइंड द नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन करते क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमें यूनिटी वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि हमें 100% ये देना होता है कि वो वैल्यू यहीं पे ही प्रेजेंट है. ओके अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहे हैं, इट मीन्स इधर से लेके इधर तक मैं 100% वो हमने एक एरिया कवर कर लिया, वो यहीं पे होगा, तो यहीं पे होगा, तो इट मीन्स वो यूनिटी यहीं पे होगी. ओके सो ये वैल्यू हमने कंसिडर कर ली. तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा भी होगा, तो हम यहाँ पे इस तरह से अंडर रूट डिवीजन दे देंगे, तो यहाँ पे ये इसी यूनिटी के इक्वल आ जाएगा, तो इसे ही हम नॉर्मलाइजेशन बोलेंगे. अब मान लीजिए यहाँ पे 10 ना होके 8 होता तो क्या करते हम, या मान लीजिए यहाँ पर 10 ना होके ए होता, हम यहाँ पे ए अज्यूम करते तो फिर क्या होता, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना था, यहाँ पे जहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है वहाँ पे हमने क्या लिख देना था, जस्ट हमने वहाँ पे लिख देना था अंडर रूट ए, दैट्स सिंपल थिंग. तो इसी तरह से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे डिवीजन हो जाती थी. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके लिए, लेट बी अज्यूम कि हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है, हम यहीं पे ले लेते हैं आपके लिए एग्जांपल. मान लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ इक्वेशन थी, फाई एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स बाई टू. सो मेरे पास अगर ये वैल्यू है, ओके सो अगर मैं इसकी फाई एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स बाई टू, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, सो एज वी नो कि अगर मैं इसको डिवीजन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी डिवीजन करता हूँ, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू, और अगर मैं इसको इससे डिवीजन देता हूँ तो ये जीरो वैल्यू इक्वल आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी. ओके आप इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो वैल्यू कहीं पे भी पॉसिबल हो सकती है, कहीं पे भी. ओके एक और ऐसी एग्जाम्पल, मतलब एक जस्ट अजम्पशन वैल्यू की हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज भी हो सकती हैं. अगर साइन इन इनवर्स एक्स लिया हुआ वैल्यू 1 टू एक्स टू माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट मे बी जीरो, ओके इट मे बी इन बिटवीन दिस. तो अगर कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, तो अगर जीरो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके
तो साइन जीरो जीरो आ जाएगा अगेन। तो इसका मतलब ये हुआ अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं फाइंड हो सकती, ओके, बिकॉज वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसकी स्केयर कर देते हैं तो फिर भी वो पे पॉसिबिलिटी फाइंड करनी डिफिकल्ट होगी, ओके। सो दिस वाज द थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन समझ गए हैं तो हम ये समझ सकते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर्स कि टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स थे वो किस तरह से ड्राइव हुए, ओके। अगर आप देखिए स्टेप वाइज चलते जाएंगे इस तरह से ये डेरिवेशन कैसे हो रही है, ओके, तो यहाँ हम इन्हें क्यों इक्वल वन ले रहे हैं या क्यों वैल्यूज हम इस तरह से डिटर्मिन कर रहे हैं और ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, तो आपके लिए आगे आगे ये चीज़ करनी बहुत ईजी है, ओके। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, ओके, बट आपको एज पर पार्ट आपको इसको समझना पड़ेगा, ओके। अगर आप कुछ स्किप करते हैं तो आपको ये चीज़ डिफिकल्ट लगने वाली है, ओके, अदरवाइज दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस एंड टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करके साथ में दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे जो लास्ट ईयर गेट और नेट में आए हुए हैं, ओके। सो अभी के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, ओके, मिलते हैं फॉर विद द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू।